हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या असमानताएं हैं, यानी क्या दोनों में अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक धर्म के विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था और इसके पश्चात दोनों अपने चरम पर पहुंच गए, लेकिन दोनों धर्म में भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, तो वो अलग फैक्टर है। लेकिन आज हम लोग अध्ययन करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या असमानताएं हैं, सिद्धांतों को लेकर के दोनों के जो सैद्धांतिक या जो दर्शन है दोनों में क्या अंतर है, उन्हीं के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे कि जैन धर्म में क्या और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने अध्ययन किया था दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटी है दोनों में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे दोनों धर्म में क्या असमानताएं हैं, क्या विरोधाभास है दोनों में, क्या अंतर है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या असमानताएं हैं, दोनों सिद्धांतों में किन विशेषताओं के कारण, किन विषय वस्तुओं के कारण दोनों धर्मों में अंतर है। तो विस्तार से अध्ययन करेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या असमानताएं हैं। जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, बौद्ध धर्म जैन धर्म में असमानताएं या अंतर के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, यानी बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, मध्यम मार्ग अपनाता है, जबकि जैन धर्म कठोर तप एवं साधना में विश्वास करता है। तो इस तरह से जैन धर्म के जो नियम हैं बहुत ज़्यादा कठोर हैं, बहुत ज़्यादा साधना पर आधारित हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विषय में मौन है, जबकि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता हुआ उसकी अनेकता की बात करता है। रेस्टोरेंट, इस तरह से आपने जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर दिख रहा है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। महावीर निर्वाण के लिए वस्त्रों को बाधक मानते थे, जबकि भगवान बुद्ध वस्त्र धारण में विश्वास करते थे। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। महावीर स्वामी निर्वाण के लिए वस्त्रों को बाधक मानते हैं, जबकि भगवान बुद्ध वस्त्र धारण में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक है, जबकि जैन धर्म की अहिंसा संबंधी सिद्धांत व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक कठिन है। जैसे कि आप जानते हैं जैन धर्म के नियम बहुत कठोर हैं, यहाँ तक कि शाम के समय या सूर्यास्त के बाद किसी भी स्थिति में यात्रा करना प्रतिबंधित है, स्नान करना प्रतिबंधित है, विचरण करना प्रतिबंधित है। यानी जैन धर्म के नियम बहुत ज़्यादा कठोर हैं, जो सामान्यतः हर व्यक्ति को अपनाए जाने योग्य नहीं, यानी व्यवहारिक जीवन में ये संभव नहीं है, बहुत ही कठोर नियम है। जबकि बौद्ध धर्म के नियम जैन धर्म की अपेक्षा सरल हैं और उसे अपनाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। महावीर स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानते थे, अर्थात स्त्रियाँ भी निर्वाण प्राप्त कर सकती थी, जबकि बुद्ध स्त्रियों को संघ में प्रवेश के विरोधी थे। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध स्त्रियों को संघ में नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके प्रिय मित्र आनंद के दबाव के कारण, चूँकि आनंद उनके प्रिय शिष्य थे और उन्होंने उनकी मौसी को संघ में लेने के लिए अनुरोध किया था, तो महात्मा बुद्ध ने पहली बार तो मना किया, लेकिन बार बार दबाव के कारण उन्होंने इस आनंद के इस वर्त स्वीकार कर लिया इस बात को कि स्त्रियों को प्रवेश में गौतमी को शामिल तो किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। तो उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। महात्मा बुद्ध जानते थे कि महिलाओं का प्रवेश हो जाने के बाद संघ का पतन हो जाएगा, इसलिए वे महिलाओं का संघ में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे या उनके दबाव में आने के कारण उन्होंने अनुमति तो प्रदान कर दी, लेकिन आने वाले समय में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म महिलाओं को संघ में प्रवेश से वर्जित मानता है, और इस तरह से वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था तत्कालीन समाज में प्रभावित करने में सफल रहा। रेशन आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया जैन धर्म बौद्ध धर्म में।